हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट 2020 और एआईएमसीए 2020 के लिए, यानी अगर आप नेक्स्ट ईयर एमसीए के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे निमसेट हो, उसकी प्रिपरेशंस के लिए कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, न्यू बैच क्या, जो जो मैंने पिछले सेशन में आपको एक वीडियो डाला था उस पर जो जो आपने डाउट भेजे हैं वो बताना चाहूँगा। नंबर वन थिंग कि निमसेट 2019 के पेपर को देखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशंस में काफ़ी कुछ चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए वो समझिएगा। देखिए, अगर हम निमसेट की बात करें, निमसेट की प्रिपरेशन करने से आप लगभग सभी एमसीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर निमसेट बोल रहा हूँ तो आपकी बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो रही, सभी की प्रिपरेशन एक साथ हो रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर निमसेट की, तो निमसेट 2008 से 2018 तक में अगर हम देखें तो पेपर में सिमिलरिटी थी, केवल 2008 का पेपर लेंदी था पर सिमिलरिटी थी। अगर हम बात करें किसी और एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल हम बात करें आईआईटी जेई की, बात करें हम मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम की, कैट की बात करें हम और यूपीएससी की, अभी हम आईआईटी की बात कर लेते हैं क्योंकि निमसेट देने वाले मोस्टली बच्चे मैथ्स वाले होते हैं। आईआईटी का एग्ज़ाम जब स्टूडेंट देने जाता है तो मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहता है, पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा पेपर हो, और हो सकता है कि पेपर नया मिल जाए, यानी बिल्कुल नए क्वेश्चन आ जाए, और एडवांस में तो क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते। निमसेट में अब तक ये हो रहा था कि 2008 से 18 तक में जो पेपर्स आए थे उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न सिमिलरिटी बहुत थी, इनफैक्ट बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए कुछ बच्चे याद करके उस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, या कुछ स्टैंडर्ड गाइड को याद कर लेने से भी रैंक आ सकती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये एक तरह से अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि निमसेट में अब क्राउड क्वालिटी का बढ़ेगा, मतलब जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब वो बच्चा ही सिलेक्ट हो सकता है इस पेपर के बाद जिसने एक्चुअल में पढ़ाई की, यानी जिसने याद नहीं किया। अब ऐसा क्यों किया गया, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, इससे क्या होता है कि एक अच्छे क्राउड के साथ आप पढ़ेंगे तो ये अच्छा हुआ। अब बात रही इम्पीटस गुरुकुल की, तो इम्पीटस गुरुकुल की पहचान इस बात के लिए है क्योंकि इम्पीटस गुरुकुल हमेशा एक ही बात बोलता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें पढ़ के जाना, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। ये बात आप मेरे किसी भी सेशन में देखेंगे तो समझेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो नॉलेज भी बढ़ेगी, नंबर भी आएंगे। इसलिए इस बार ये हुआ कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट और क्लासरूम के स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि पेपर आपने पढ़ के दिया था, आपने पढ़ाई की थी। अब यही चीज़ पर फिर भी हमें चेंजेस लाना पड़ेगा इस बार, बस एक चीज़ जरूरी, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी पर फिर भी जिनने अटेम्प्ट कम किए थे उन्होंने कई बार, कुछ बच्चों ने ऐसा प्रेशर की वजह से हड़बड़ा गए और उन्होंने निगेटिव ज़्यादा कर दी, यानी उनको ये लगा कि अब अटेम्प्ट इतने कम है सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ये सोच के उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। जबकि मैंने जब लास्ट सेशन लिया था तो क्लास में भी और सभी बच्चों को एक ही बात बोली थी कि आपको जो आता आप वो करिए, फिर भी एग्जामिनेशन प्रेशर में उस समय कुछ बच्चों ने ऐसा गलती कर दी कि अब लगा कि इतने कम अटेम्प्ट में कुछ नहीं होगा और मार्क कर दिए। पर अब इस बार से मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ कि प्रेशर में नहीं, बहुत ही रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करनी। तो अब इस बार जो आपको अपनी पढ़ाई में चेंज लाना है वो एक ही लाना है कि कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, बहुत ही बेसिक से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो बता दो। अब दो तरह से आप लोग हम जुड़ेंगे, एक क्लासरूम कोर्स के लिए, मैं आपको बोलूँगा 10 जून या 17 जून पर अगर आप जुड़ जाएँ तो अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना अच्छा है, आप भोपाल आ जाएँ और क्लास में पढ़ाई चालू कर दें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही। अब इस बार हम लोगों ने एक चीज़ और करिए कि दो टाइम पे क्लास होंगी, यानी पर डे 2 बैचेस होंगे, यानी 2 आवर्स मॉर्निंग की क्लास होगी, जैसे सपोज 8 to 10 हो गई, फिर 10 o'clock के बाद से लेके लंच ब्रेक के अलावा 4 o'clock तक पढ़ाई करनी हो, फिर एक 4:30 to 6:30। इसका पर्पज एक ही है, ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर आप क्लासरूम कोर्स से नहीं जोड़ रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स से जोड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन में भी इसी ढंग से पढ़ें, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। इनका ये पर्पज है मेरा कि इस बार टेस्टिंग मॉड्यूल्स को और बढ़ाया जाए, यानी जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको और बढ़ाया जाए, टेस्ट सीरीज भी आपको नई मिलेगी तो टेस्ट पेपर्स के थ्रू ही परफॉर्मेंस आए। तो हमारे पास एक तरह से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर अप्रोक्सीमेट जून में भी, तो हमारे पास 7 मंथ को मैं टारगेट ले रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर किया जाए, एक बेस बुक पूरी की जाए, चाहे तो वो आर डी शर्मा हो सकती है, उसके अलावा एक बुक भी पूरी की जाए ऑब्जेक्टिव, चाहे तो वो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, चाहे तो सरस कर, इसके अलावा जो टेस्ट पेपर्स हैं वो। दूसरा, दो टाइम पे क्लास का एक पर्पज़ है और 4:30 से 6:30 की क्लास के बाद भी यहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे,
तो आप ऑनलाइन वाले जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, हर दिन जुड़ते जा रहे हैं, आपको एक तो प्रॉपर मॉड्यूल मिलता रहेगा कि क्या क्या क्लास में हो रहा है, ये बहुत ही रेगुलर आपको वीकली अपडेट मिलेगी जिससे आप उसी ऑर्डर में पढ़ें। और जो क्लास में टेस्ट होंगे, जैसे लास्ट ईयर तक हम केवल संडे टेस्ट दे रहे थे, इस बार क्लास टेस्ट और संडे टेस्ट देंगे। संडे टेस्ट में एक चेंज और करने वाले हैं हम लोग, वो चेंज क्या बता दूँ कि अभी पिछले साल जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसका टेस्ट मिलता था, पर अब इस बार हम एक काम और करेंगे कि जो टॉपिक हो चुके उनको भी नए टेस्ट में ऐड करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब आप टेस्ट सीरीज आपके पास आना चालू होगी एक दो वीक, इस नेक्स्ट संडे या उसके नेक्स्ट संडे से आपको टेस्ट पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे 9 जून से या उसके नेक्स्ट संडे से आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तो क्या होगा कि जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उनको दोबारा आपको दिया जाएगा। अभी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एंड पर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट और एक एंड पर मैथ्स का पार्ट। कैलकुलस पे बहुत वर्क करना है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस पे, और वो भी इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स पे वर्क करना है। तो जो टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे बहुत ही डिफरेंट तरह के मिलेंगे, सरप्राइजिंग टेस्ट बहुत सारे होंगे, और प्लान ये करेंगे कि हम दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा करें जिससे जनवरी से हम टेस्टिंग को और बढ़ा पाएं। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्लासरूम कोर्स से आने वाले हैं तो भी, और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने वाले हैं तो भी, दोनों केसेस में एक्शन प्लान जल्दी ले लें जिससे आपको फायदा होगा। ऑनलाइन के ऑलरेडी कई सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आपने जितना पीछे सिलेबस कवर करा है वो तो बहुत ही खुशी की बात है, पर अब साथ में ये भी कवर करते हुए चलना है। मतलब आप लोग जैसे यहाँ पर होता है, कुछ एक सेशंस ऐसे भी लूंगा जिसमें आपको पूरा पता रहेगा कि क्लास में क्या क्या कवर हुआ। तो जैसे क्लास में एक एंड पे मैथ्स में मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ एलजेब्रा, मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ एलजेब्रा, और एक एंड पे लॉजिकल रीजनिंग, यानी दो चीज़ें एक साथ चलेंगी। तो इस बार आपको, क्योंकि इस बार लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा था कि जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो आप अगर दोनों को प्रॉपरली अभी से पढ़ के चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में स्टडी करके आप बहुत अच्छे से इस पेपर को हैंडल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैंने फिर बोला कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमें पढ़ के पेपर देना, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगी, सिलेक्शन भी अपनी जगह होगा। और यही चीज़ इम्पीटस गुरुकुल की पहचान है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि सर यहाँ आने के बाद एक चीज़ जरूर सीख गए कि मेहनत कैसे की जाती है, और वही चीज़ मैं बोलूँगा कि मेहनत करना सीखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अब ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या वो समझ लें। और एक और जो आपने डाउट भेजे हैं वो सब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपसे बात नहीं हो पाती कि जो बच्चे जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में पेन ड्राइव ली थी नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 के लिए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 के लिए ली थी, ऐसे भी हैं जिन्होंने, क्योंकि कई बच्चे फर्स्ट ईयर वाले भी ले रहे हैं। तो मैंने आपको चीज़ बोली थी, अभी हमने कोर्स में काफ़ी सारा अपडेशन करा है, वो अपडेशन आपको भी मिलेगा, पर उसके लिए आपको पेन ड्राइव वापस नहीं भेजनी है, हम लोग आपको लिंक भेजेंगे जिसके थ्रू आपको जो अपडेशन वीडियो वो मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इवन इस बार एक चीज़ और होगी कि जो हम लोग टेस्ट, क्योंकि अब टेस्ट सरप्राइजिंग होंगे, कई पेपर ऐसे होंगे जो काफ़ी लेंथी हो सकते हैं, उन पेपर को भी जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा। यानी आपके मेल, आपके वीडियो का जो डिटेल लिंक है वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, और वेबसाइट के थ्रू उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं जिस कंप्यूटर में आप कोर्स देख रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्स का, कई लोग ऑनलाइन कोर्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऑनलाइन कोर्स का मतलब है आपके पास एक ऑनलाइन आपको पेन ड्राइव लेना होगा जिसमें मैथ्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे सारे टॉपिक के डिटेल में, और साथ में आपको टेस्ट पेपर्स ये सब मिलना चालू हो जाएंगे। अब जो मैंने आपको अभी बात बोली कि जो जो नए अपडेशंस होंगे, जो जो टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस होंगे, उनके भी सेशंस आपको रेगुलर ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू मिलेंगे। जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से 20 या 21 के लिए कोर्स लिए, उनको भी अपडेशंस के लिए पेन ड्राइव सेंड नहीं करनी है, हम उनको डायरेक्ट लिंक देके आपको वो जो अपडेशंस हुआ वो देंगे, और पूरे होल द ईयर जो अपडेशंस होते जाएंगे वो भी आपको मिलते जाएंगे। आपका एक डेस्क, आपका एगो बन जाएगा पैनल आपके नाम के साथ, और उसके थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। क्योंकि आप में से, मैंने पिछले सेशन में बोला था कि पेन ड्राइव अपग्रेड करवानी है, अपडेट करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भेजना पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि आपको बिना भेजे भी वो अपडेशन मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल प्लान कर लीजिए, अगर आप क्लासरूम के लिए आना चाहते हैं तो मैं पहले तो सजेस्ट करूंगा कि 9 जून तक आ जाएं, या कम से कम 16 जून तक जितना जल्दी हो सके आ जाएं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं तो इमीडिएटली ऑनलाइन कोर्स ले लें। कन्फ्यूजन है, ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ाई करें, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में भी पढ़ना वैसे ही जैसे क्लासरूम कोर्स में चला, उसी ऑर्डर में आपको वीडियो सेशंस देखने हैं और वैसी पढ़ाई करनी है, वैसी टेस्ट देना है। इन केस ड्यूरिंग ऑनलाइन कोर्स पढ़ते समय आपको ऐसा लगता है
कि क्योंकि ऑनलाइन कोर्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना होता है क्लासरूम में, बस बच्चे टाइम पे आते हैं टाइम पे जाते हैं, ये अंतर आता है। अगर इन बिटवीन वैसे नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती फिर भी कभी भी लगे तो आप ऑनलाइन कोर्स से क्लासरूम कोर्स में कभी भी स्विच कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए, फिर भी जो भी डाउट आए वो आप मुझे भेजें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूँगा। पर आप एक एंड से मैं आपको बोलूँगा, एक एंड पे आप नंबर सिस्टम पढ़ना चालू करें लॉजिकल रीजनिंग का, दूसरे एंड पे एलजेब्रा का सेट थ्योरी पढ़ना चालू करें। इन दो टॉपिक्स को पढ़ें, पहले बेस बुक से पूरा करें, फिर ऑब्जेक्टिव बुक से करें, और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।